वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फिटनेस आस्क। कैसे हैं आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कैरी नेशन हमारी ब्रांड है उसका शूट करेंगे और उसका भी व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग शूट पे जाने वाले हैं, सबको मैंने बुला लिया है। तो 6 बजे का टाइम हमने रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए थोड़ा सा लेट रखा है 6 बजे। बट अभी भी मैं खुला लग रहा है थोड़ा जल्दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। बट ये अभी हम लोग जाने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या शूट हम लोग करते हैं। पिक्चर्स वगैरह भी लेंगे क्योंकि जो पेज है हमारा कैरी नेशन, वहाँ पर हम लोग पिक्स वगैरह भी डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। तो अभी बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और चलते हैं वहाँ पे, शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और प्रोडक्ट्स भी मैं आपको फिर से अच्छे से दिखाता हूँ। तो बस निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। ऑलराइट गाइस, तो निकलते हैं अपन लोग, गाड़ी निकाल लेते हैं बाहर। और तो गाइस, लोकेशन पे पहुँच चुके हैं हम लोग और सारे अपने भाई लोग पहुँच चुके हैं, पीछे देख लो सबके सब। तो अभी अपन लोग अपने प्रोडक्ट्स का शूट करेंगे और जो शूट करने के लिए विकास भी अभी आने वाले हैं, वो थोड़ा सा लेट हो गए तो वो भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपन लोग अपना शूट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ नीचे जाएंगे और वहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तब तक वार्म अप वगैरह कर लेते हैं और फिर सारे 6 के 6 प्रोडक्ट मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे हमारे 6 के 6 प्रोडक्ट। ये अपने हैंड स्टैंड के लिए जो हैंड स्टैंड ब्लॉक्स होते हैं वो है वुड के। ये अपने लकड़ी वाले स्टैंड, ठीक है, और थर्ड नंबर पे उससे थोड़े से बड़े कैली नेशन ब्रांडिंग, और फोर्थ नंबर पे ये स्टील प्लस वुड दोनों, ठीक है। और सबके ग्रिप वगैरह प्रॉपर मैंने डिज़ाइन करवाई है जिससे कि ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। और उसके बाद उससे अगर और थोड़े बड़े चाहिए तो ये लंबे वाले, और लास्ट में ये सबसे बड़े वाले। तो ये टोटल 6 प्रोडक्ट्स हैं अपने और सारे एकदम टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी के अपन ने बनवाए। बस इसमें अभी एक ही चीज़ बाकी है, जो रबड़ का जो यहाँ पे ग्रिपर होता है वो अभी तक लगवाना बाकी है क्योंकि ये बाहर से आएगा, दिल्ली से यहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, मे बी 1 से 2 वीक में कंप्लीट करा देंगे अपन लोग और फिर ये सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आज इसका अपन लोग शूट करेंगे, अभी विकास भी आ रहे हैं और एक कैमरामैन अपना ऑलरेडी लगा हुआ है शूट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में शूट स्टार्ट करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसकी स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings and fly. सबसे मेन शूट करने वाले थे और ये देखो इनका शक्ल देखो इनकी, है ना, कितना लेट आया भाई, सूरज भी डूब गया अपना। बट ठीक है, एक दो शूट्स अपन ने ले लिए हैं अपने मोबाइल से, तो आगे देखते हैं आप। ठीक है, राइट गाइस। तो शूट हो चुका है कंप्लीट, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और
जितना शूट हम लोग कर सकते थे उतना कर लिया, उतने अच्छे से नहीं हो पाया जितना मैंने सोचा था, क्योंकि जो विकास भैया जो शूट करने वाले थे वो काफ़ी लेट हो गए, तो सूरज भी डूब गया था तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, बट हम लोग जितना कर सकते थे उतना हमने कर लिया शूट। और शूट की जो वीडियोज़ वगैरह है बीच बीच की, वो तो आपको इस व्लॉग में देखने को मिल गई होगी। एंड जो मेन जो रिजल्ट है शूट के बाद के, जो एडिटिंग होने के बाद, वो आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग में मेरे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग जो मैं बनाऊंगा उसमें ऐड करूंगा वो शूट के जो रिजल्ट्स होंगे, वो वीडियो के एडिट करने के बाद कैसी लग रही वीडियो, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। एंड या और एक व्लॉग और बनाऊंगा जिसमें और डिटेल में बात करेंगे सारे स्टैंड के बारे में, कौन सा स्टैंड किसके लिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे और व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।